योगी को अरेस्ट करने वाले डीजीपी पर हुआ है मुकदमा। पूर्व डीजीपी पर उनके गांव में ही दर्ज हुआ है केस। दोस्तों, एक बड़ा मामला है जिसका आज उल्लेख कर रहा हूं। मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाने वाले और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में जिन्हें 180 दिन के लिए डीजीपी बनाया गया था, यानी पुलिस महानिदेशक, ऐसे आईपीएस अधिकारी पर केस दर्ज करना चर्चा का विषय बना हुआ है। जानिए कौन है ऐसे आईपीएस अधिकारी जो मुलायम सिंह यादव के काफ़ी चहेते रहे और फिर अखिलेश यादव के समय में रहे पुलिस महानिदेशक। दोस्तों, यह है 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी जगमोहन यादव और उनके गृह गांव में ही उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा किसने दर्ज कराया और पुलिस ने इतनी आसानी से ऐसे भारी भरकम ओहदे वाले पुलिस अधिकारी पर कैसे दर्ज कर लिया केस? आप अगर कोई केस दर्ज कराने जाएंगे, थाने पर जाएंगे, दर्ज नहीं होगा, एप्लीकेशन ले लिया जाएगा या भगा दिया जाएगा। फिर आप जाएंगे एसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ जाएंगे तो एप्लीकेशन लिख के देंगे कि साहब हमने थाना पर दिया था, थाने पर दर्ज नहीं हुआ, हमारा दर्ज कराया जाए। कप्तान साहब देखेंगे और कप्तान साहब कुछ लिखेंगे। आप डर के मारे पूछ भी नहीं पाएंगे कि हुजूर किसको लिखा है आपने, दर्ज होगा कि नहीं होगा। वो कहेंगे ठीक है, फिर आप चले आएंगे। आपने अपनी बात कह दिया, पता नहीं वो सुने कि नहीं सुने, लेकिन अब डीजीपी पर अगर मुकदमा दर्ज हो तो यह बड़ी बात है। डीजीपी पहले सीओ रहे होंगे, सीओ के बाद एएसपी रहे होंगे, एएसपी के बाद एएसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी और फिर अपर पुलिस महानिदेशक, उसके बाद पुलिस महानिदेशक। या अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था भी रहे हैं, सीबीसीआईडी भी रहे हैं और यह सबसे ताकतवर पोस्ट होता है। वैसे तो सेवाकाल के दौरान अथवा सेवाकाल के उपरांत बहुत से आईएएस आईपीएस अफसरों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और वह जेल की हवा खाए हैं, किंतु डीजीपी रहे जगमोहन यादव पर केस दर्ज करना एक थोड़ा सा उन मामलों से हट करके है। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें और ले चलते हैं आपको गोरखपुर, जब जगमोहन यादव 2007 के दौर में आईजी थे, गोरखपुर में तैनात थे। मुलायम सिंह यादव ने उनकी तैनाती किया था और वह थे पुलिस महानिरीक्षक, उस समय वहाँ के सांसद थे योगी आदित्यनाथ। पुलिस महानिरीक्षक के रूप में तैनाती के दौरान बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ से उनका हार्ट अटैक भी हुआ था, क्योंकि मुलायम सिंह के विशेष कृपा पात्रों में जगमोहन यादव शुमार थे और उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी थे डॉक्टर हरिओम। डॉक्टर हरिओम हमारे यहाँ सीडीओ थे, सीडीओ के उपरांत वह फिर कई जगह होते हुए गोरखपुर के डीएम थे और पुलिस कप्तान के रूप में राजा श्रीवास्तव वहाँ पदासीन थे। 25 जनवरी 2007 को मुहर्रम के दिन, ताजिया के दिन, गोरखपुर कोतवाली के बक्सीपुर इलाके में छेड़खानी का आरोप कुछ युवकों पर लगता है। फिर एक समूह ने हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। घायल युवक चाकू की गंभीर चोट से उसकी मृत्यु हो जाती है। भीड़ के बीच से ही काफ़ी मेहनत करके अपराधियों को पुलिस ने पकड़कर थाने ले जाने का काम किया। एक दो अपराधी थे मारने वाले और फिर दूसरे पक्ष के लोगों ने रास्ते में पुलिस की गाड़ी रोका, आक्रामक तौर पर हमला किया और आरोपी को गाड़ी से उतारकर सांघातिक चोट पहुंचाया। इस प्रकार उस अपराधी की भी मौत हो गई, आरोपी की। यानी दोनों तरफ से एक एक मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या था, यह दोनों तरफ से युवकों को मारे जाने की सूचना जंगल की आग की तरह गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल और प्रदेश में फैल जाती है। उस समय आदित्यनाथ योगी गोरखपुर न होकर के कुशीनगर गए थे किसी कार्यक्रम में। कुशीनगर में जब इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सहयोगी राधा मोहन अग्रवाल से धरना प्रदर्शन की व्यवस्था करने को कहा और यह कहा कि गोलघर में चौराहे पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, इसकी व्यवस्था करिए और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ उधर से चल दिए थे। बताते हैं कि उस समय के जिलाधिकारी डॉक्टर हरिओम, आईजी जगमोहन यादव, पुलिस अधीक्षक राजा श्रीवास्तव, इन लोगों का लगातार संपर्क था मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इस घटना से प्रत्येक पल रूबरू हो रहे थे। अब क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा संभवतः कि अरेस्ट करो,
इन लोगों ने अरेस्ट करने का मन बनाया, लेकिन हिम्मत छूट गई होगी क्योंकि भारी भरकम फौज थी उनके आगे, दंगा भड़क चुका था। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि यदि योगी आदित्यनाथ शहर के भीतर आ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार करना काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए कुशीनगर से गोरखपुर की तरफ जो काफिला बढ़ रहा था, पल पल इसकी सूचना मिल रही थी, शहर में प्रवेश करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी प्लान बन गई और सीमा में प्रवेश करने से पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। कार्यकर्ताओं का भारी विरोध हुआ और उन्हें पुलिस लाइन से जनपद कारागार तक ले जाने में 4 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय हुई, क्योंकि जगह जगह लोग लेट जाते थे और यह पूरा गोरखपुर छावनी में तब्दील हो गया था। काफिला आगे बढ़ नहीं रहा था, इस तरह से मशक्कत हुई। तो दोस्तों 11 दिनों तक आदित्यनाथ योगी जेल में रहे और जेल के बारे में भी हमने जानकारी किया, उसको अलग से वीडियो करके हम बताएंगे, यह भी बता रहे हैं कि एक दीवार तोड़ करके और सीधे फरियादी जाएं, अन्य कैदियों से कोई मतलब नहीं रहे। फरियादी क्या, जो मिलने वाले हैं, इनके प्रशंसक हैं, इनके समर्थक हैं, वह जाते थे, इनका पैर छूते थे, मिलते थे और फिर चले आते थे। तो पूरा तौर पर जेल इनका गोरखनाथ मंदिर हो गया था। चलिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस घटना पर मुलायम सिंह यादव ने ए राजा, जो वहाँ के SP राजा श्रीवास्तव, जो वहाँ के SP थे, SSP थे और जिलाधिकारी डॉक्टर हरिओम को वहाँ से हटा दिया और रातों रात हेलीकॉप्टर से DM और SP भेजे गए। राकेश गोयल वहाँ के DM बनाए जाते हैं और SSP के रूप में SK भगत को गोरखपुर का चार्ज दिया जाता है। यह दोनों हेलीकॉप्टर से रात को पहुँचे थे। तो यह थे पुलिस महानिरीक्षक के तौर पर तैनात जगमोहन यादव, जो वहाँ के IG थे। इनके बारे में हम बताते हैं, ले चलते हैं अब आपको हम जौनपुर में। उसके पहले हम बताते चलें, AK जैन थे पुलिस महानिदेशक, जिनके सेवानिवृत्ति के बाद DGP के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। यह भी बताते हैं कि अखिलेश यादव उस समय CM थे, DGP का कार्यभार ग्रहण करने से पहले यह जाते हैं, अखिलेश यादव से मिलते हैं और फिर आते हैं, DGP का चार्ज लेते हैं। हम अगले किसी वीडियो में अभी बताएंगे कि इनसे अच्छी साख वाले कई IPS थे, लगभग संख्या उनकी 5 की थी, जो इनसे सीनियर भी थे और इनसे अच्छी कार्य पद्धति थी, सभी को नज़रअंदाज करके इन्हें DGP बनाया गया। 180 दिन बाद यह सेवानिवृत्त हो गए। जौनपुर का गांव तरहटी कोल्हापुर और यह है थाना मुगरा बादशाहपुर, तहसील मछली शहर। यह जगमोहन यादव का गृह गाँव है, जहाँ कई बार उनकी माताजी वहाँ की ग्राम प्रधान रही हैं, परिवार के लोग वहाँ के ग्राम प्रधानी करते आए हैं। जाहिर सी बात है कि गांव की राजनीति में अच्छा खासा इंटरेस्ट रहा है और इनको इसका लाभ भी मिलता रहा है, पद और इनके और भी परिवार के लोग पुलिस के अधिकारी रहे हैं और भी अच्छे ओहदे पर रहे हैं। गाँव की राजनीति में दखलंदाजी करने का परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। अब निजाम बदला, समय बदला और फिर जगमोहन यादव के घर से प्रधानी खत्म हो गई और वहाँ के प्रधान हो गए चंद्रेश गुप्ता। जगमोहन यादव और उनके परिवार पर आरोप है कि उन लोगों ने बंजर भूमि को हड़पा है, मंदिर की भूमि पर भी उनका कब्जा है और लड़कियों का कोई विद्यालय है उस जमीन पर भी इन लोगों का कब्जा है, उसको भी हड़प लिया है। यह विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा था। 11 सितंबर को विवादित भूमि की पैमाइश होनी थी, पैमाइश के लिए तहसील के कर्मचारी अधिकारी वहाँ पहुँच चुके थे, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो यानी राजस्व निरीक्षक और कई लेखपालों की टीम थी। पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के साथ नापी होनी थी। उसके पहले ये लोग ग्राम सचिवालय में बैठे हुए थे, तब तक जगमोहन यादव वहाँ पहुँचते हैं। चूँकि जगमोहन यादव का गाँव है, जगमोहन यादव से जुड़ा हुआ यह मामला है, जगमोहन यादव DGP रहे हैं, आना जाना यदा कदा लगा ही रहता था, उनके पहुंचते ही सभी खड़े होते हैं, खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हैं। जगमोहन यादव से ग्राम प्रधान भी खड़े होते हैं चंद्रेश, फिर उसके बाद कुछ हार्ट टाक होता है इस बात को लेकर के, चंद्रेश भी कुछ बोलते हैं, अभी बोलते हैं, उसके बाद बताया जाता है कि जगमोहन यादव ने उनके ऊपर हाथ चलाया और उनको धक्का दे करके कहा जाओ बाहर यहाँ से। यह मामला और भी तूल पकड़ा है, चूँकि मामला DGP पूर्व DGP से जुड़ा हुआ था, इसलिए अधिकारियों ने बीच बचाव भी किया।
और फिर वहाँ पहुँचते हैं पुलिस क्षेत्राधिकारी अतर सिंह जो मछली शहर के हैं, और फिर SDM राजेश चौरसिया फोर्स के साथ यह दोनों पहुँचते हैं, बीच बचाव करते हैं, समझाते बुझाते हैं, मामले को शांत कराते हैं। चंद्रेश ग्राम प्रधान के साथ साथ मंडल के भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, जिनकी तहरीर पर थाना मुगराबाद शाहपुर में जगमोहन यादव के विरुद्ध IPC की धारा 323 जो जानबूझकर चोट पहुंचाने के परिप्रेक्ष्य में दर्ज होती है, और इस प्रकार IPC की धारा 504 जो शांति भंग के इरादे से किसी का अपमान जानबूझकर करना होता है, और तीसरी धारा है जो IPC की है 506 या आपराधिक धमकी के संबंध में है। इन धाराओं में तीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोई और होता अगर यह जगमोहन यादव और भाजपा के ग्राम प्रधान नहीं होते तो 151 भी होता, दंड प्रक्रिया की धारा है 151 जो शांति भंग के परिप्रेक्ष्य में है, दोनों तरफ से दोनों लोग अरेस्ट होते और उसी SDM के पास जाते, SDM इनकी जमानत करता और जमानत कराया जाता, क्योंकि यह शांति भंग का मामला था, मजिस्ट्रेट के यहाँ जाना ही जाना था। अन्य धाराओं में पुलिस का जो स्टेशन अफसर है उच्चाधिकारियों से परामर्श के बाद मुचलके पर इन्हें रिहा कर देता, लेकिन 151 ऐसा है जिसमें घटना अवश्यंभावी है, शांति भंग की आशंका, इसमें लोग जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल मिलाकर के तीन धाराओं में जो मुकदमा दर्ज हुआ है या चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या इतने बड़े ओहदे के बाद गाँव के ऐसे मामलों में DGP पूर्व DGP जगमोहन यादव को हस्तक्षेप करना चाहिए था, या फिर उन्हें इस मामले को नज़रअंदाज करते हुए अपनी साख, अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए था। नापी में क्या परिवार के अन्य सदस्य शामिल हो सकते थे, या फिर इनका शामिल होना जरूरी था? यदि शामिल हुए तो क्या इस प्रकार का आपत्तिजनक व्यवहार करना आवश्यक था? क्या जगमोहन यादव ने अपना आपा खो दिया? क्या गांव की ग्राम प्रधान और गांव की राजनीति में इतने उलझे हुए लोग हैं कि इतने बड़े ओहदे पर जाने के बाद भी उसका मोह भंग नहीं हो रहा है? क्या हुआ है जो मैंने देखा है विविध पोर्टल और समाचार पत्रों का, और कुछ लोगों से हमने वार्ता भी किया है, वार्ता करने के बाद पुष्ट समाचारों का संज्ञान धारण करते हुए यह वीडियो हमने किया है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। नमस्कार।